हेलो मैथ्स लर्नर्स, दिस इज नेहा एंड यू आर वॉचिंग मैथ्स मैजिक जूनियर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सिंपल सा टॉपिक, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे फाइंड आउट करते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम लोग LCM भी बोलते हैं। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना कि मल्टीपल आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल होता है किन्हीं भी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें जो मिले, आंसर मिले, वो हमारा मल्टीपल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सबने टेबल तो पढ़े ही हैं, जब हम 2 का टेबल पढ़ते हैं तो हम एक तरीके से दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। 2 into 1, या ये कह लो 2 ones are 2, 2 into 2, 2 into 3, इन अलग अलग नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कुछ नए नंबर्स मिल रहे हैं, 2, 4, 6, 8। तो ऐसे सो ऑन एंडलेस लिस्ट चलती ही रहती है। 2 tensa पर तो टेबल खत्म नहीं होता है, इट गोज ऑन एंड ऑन। लेकिन जो नंबर्स हमें मल्टीप्लाई करने के बाद मिले, यही नंबर्स कहलाते हैं मल्टीपल्स। किसके? 2, 4, 6 और 8 मल्टीपल्स होंगे। 2 के तो साथ साथ होंगे ही, एट द सेम टाइम 2 मल्टीपल होगा 1 का भी। सेम 6 अगर हम मल्टीपल देखें तो 6 मल्टीपल होगा 2 का भी और 3 का भी। 8 अगर मल्टीपल है तो वो 2 का भी है और 4 का भी है। तो हम एक इजी तरीके से ये बोल सकते हैं कि एक नंबर का मल्टीपल वो नंबर होगा जो उसके टेबल में सारे आते रहते हैं। 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जैसा कि अभी हमने देखा, हम लोगों ने मल्टीपल्स निकालना सीखा, अब हम देखते हैं कॉमन मल्टीपल क्या होता है। कॉमन मल्टीपल, पहली बात तो मल्टीपल हमने अभी देखा ही, कॉमन का मतलब होता है सेम सेम होना। तो सेम होने के लिए मुझे पहले एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, यानी कि दो नंबर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे 2 का और 3 का कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो पहले हम 2 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया 2 का मल्टीपल होता है उसके टेबल में आने वाले सारे के सारे नंबर्स, तो हम कॉमा डाल डाल कर लिखते चले जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। सेम हम 3 के साथ करेंगे, 3 का टेबल कॉमा डाल डाल कर हम लिखते चले जाएंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब जब हमने दोनों मल्टीपल्स देख लिए दोनों के, हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन, यानी कि इन दोनों में सेम सेम कौन सा है। तो सबसे पहले जब हम चेक करते हुए जाएंगे लिस्ट में, तो हमने देखा कि 6 कॉमन है, दोनों में आता है। उसके बाद हमने देखा कि 12 कॉमन है, 2 में भी है और 3 में भी है। अगर हम 12 के 2 के टेबल में थोड़ा सा और जाएं आगे, तो हमें 18 भी मिलेगा। हम कह सकते हैं कि 18 भी कॉमन मल्टीपल है। तो अगर हम कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 लिखें तो वो होंगे 6, 12, 18। यहाँ पर लिस्ट खत्म नहीं होती है, कॉमन मल्टीपल्स आर एंडलेस, वो चलते ही जाते हैं, बस हमने यहाँ पे लिखे नहीं है। कॉमन मल्टीपल के बाद अब मैं अपने मेन टॉपिक पर आती हूँ, जो है LCM। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सारे मल्टीपल्स में से लोएस्ट। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा। अब क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, इसमें से फाइंड आउट करना सबसे छोटा कौन सा होगा बहुत आसान होगा। तो हम लिखेंगे LCM ऑफ 2 एंड 3। 6, 12 और 18 में से तीनों में से सबसे छोटा होगा 6, तो ऑटोमेटिकली 2 और 3 का LCM हो जाएगा 6। ये एक आसान तरीका था मल्टीपल्स टेबल्स लिखकर मल्टीपल्स निकालना, कॉमन मल्टीपल निकालना और LCM निकालना। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस भी है। छोटे नंबर्स के लिए तो बहुत आसान है, टेबल्स हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर्स के लिए अगर हमें LCM निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे? उसके लिए एक तरीका है मैथमेटिक्स में, जिसे हम बोलते हैं रिपीटेड डिवीजन। रिपीटेड डिवीजन मतलब बार बार डिवाइड करके देखना। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू फाइंड आउट LCM ऑफ 50 एंड 100। तो हम इसको इस तरीके से करते हैं, दोनों नंबर्स को लिखेंगे और सिर्फ उन नंबर्स से डिवाइड करेंगे जिसमें दोनों एक साथ एक टेबल में आते हों। पहले चेक करेंगे कि क्या 50 और 100 एक साथ किसी नंबर के टेबल में आते हैं,
और वो नंबर होना चाहिए एक प्राइम नंबर. फॉर एग्जाम्पल 50 और 100 तो 10 के टेबल में भी आते हैं, लेकिन वी कैन नॉट राइट 10 हियर बिकॉज 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 10 इज अ कॉम्पोजिट नंबर. तो हमें यहाँ पे ऐसे ही नंबर्स यूज करने हैं जो कि प्राइम नंबर्स हो. मैं यहाँ पे दो ऑप्शन ले सकती हूँ, या तो मैं 2 लू या फिर मैं 5 भी ले सकती हूँ. सो वी कैन स्टार्ट विद 5. 5 10 जा 50 होता है, सबको मालूम है. 100 को किस तरीके से करेंगे, 5 2 जा 10 और ये वाला 0 एज इट इज. अभी जो आया वो है 10 और 20, ये दोनों एक साथ फिर से 5 के टेबल में आते हैं. 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20. 2 और 4 एक साथ 2 के टेबल में आते हैं तो हम 2 से डिवाइड करेंगे. हम रिपीटेडली दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, 50 और 100 को बार 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 हम लोग हर स्टेप में डिवाइड कर रहे हैं. 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 1 एंड 1 जा 1. हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें लास्ट स्टेप पे 1 ना मिल जाए. इसका फाइनल स्टेप होगा एलसीएम निकालने के लिए, यहाँ जितने भी प्राइम नंबर्स मिले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना. तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, 5 5 जा 25, 25 2 जा, हम आसान कैलकुलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं हमेशा. 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 10 10 जा 100. तो ये होगा 50 और 100 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब 50 और 100 के एक साथ टेबल में जो पहला नंबर आए. तो ये था कॉन्सेप्ट एलसीएम का. आई होप आपको समझ में आया होगा. मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए और लाती रहूंगी. तब तक के लिए कीप लर्निंग विद नेहा.